गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग एक्सटर्नल मॉड्यूल्स अपने खुद के बना सकते हैं और ऐसा आप क्यों करेंगे ये भी आप लोगों को बताता हूँ। देखो, जब आप कोई एक अच्छी ऐप बनाते हैं नोड जेएस में, कुछ ऐसा बनाते हैं जो कि शायद आप लोग रीयूज़ करवाना चाहें किसी को, तो आप लोग चाहेंगे कि आप लोग अपने जो मॉड्यूल है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। जैसे मान लो मैंने एक फेस रिकग्निशन की क्लास लिखी है जिसमें फेस रिकग्नाइज करने के बहुत सारे फंक्शंस हैं और कुछ भी करके मैंने उसको जावास्क्रिप्ट में लिखा है, और अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर इनपुट दे मुझे तो मैं आउटपुट दे के बता दूँ कि ये कैट है, डॉग है, या कौन है, या किसका फेस है। जो भी आपका क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है या कोई भी चीज़ अगर आप लोग लिखते हैं, हो सकता है मैंने एक मैथ क्लास लिखी हो। खैर, जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी मैथ ऑब्जेक्ट होता है, बट मैं एक बात बता रहा हूँ, बस मान लो मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के लिए कोई एक फंक्शन लिखा हो या क्लास लिखी हो या कुछ भी एक ऐसी चीज़ लिखी हो जो कि शायद मैं दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहता हूँ, तो अगर मैं ऐसा चाहता हूँ तो मैं नोड जेएस के अंदर इस चीज़ को बहुत ही आराम से कर सकता हूँ। तो देखते हैं ये काम किस तरह किया जाता है, और बनाते हैं यहाँ पर दो फाइल्स। और यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा रायता फैला दिया है शायद, तो ये जो सारे के सारे फाइल्स हैं और मैंने यहाँ पर जो फोल्डर बनाए हैं सब आप लोगों को मिल जाने हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि ये जो मैंने फाइल्स वगैरह बनाई हैं ये आप लोगों को आराम से नहीं मिलेंगी। अगर आप लोग जाएंगे वेबसाइट के अंदर तो आप लोगों को वहाँ पर सब कुछ सिस्टमेटिक मिल जाएगा। तो रायता सिर्फ मेरे कंप्यूटर में फैला हुआ है, तो यहाँ पर मैं ट्यूट 68 नाम से एक फोल्डर ही बना लेता हूँ। यार फाइल क्या बनाऊँ, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पर ट्यूट 68, ठीक है। और इसके अंदर मैं दो फाइल्स बनाऊंगा, एक तो mod.js बनाऊंगा और दूसरी बनाऊंगा क्या, index.js। और ये दो फाइल्स जो मैंने यहाँ पर बनाई है, मॉड्यूल और इंडेक्स, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मॉड्यूल के अंदर बनाऊंगा मैं अपना मॉड्यूल, और इंडेक्स के अंदर मैं बनाऊंगा एक फाइल जो कि उस मॉड्यूल को यूज़ करती है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर क्लोज अदर्स कर देता हूँ, यहाँ पर इंडेक्स को खोल लेता हूँ वापस से, जूम किया, और यहाँ पर एक काम करता हूँ, जल्दी से लिखता हूँ console.log, और यहाँ पर लिख दूँगा दिस इज index.js। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा दिस इज मॉड्यूल, ठीक है, और दिस इज index.js, दिस इज मॉड्यूल, और ज़रा रन कर लेते हैं दोनों चीज़ों को। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, नोड लिखूँगा और फिर लिख दूँगा index.js, लेकिन मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्यूट 68 वाले फोल्डर में जाना पड़ेगा। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा नोड index.js, और देखो दिस इज index.js आ गया, और अगर मैं मॉड जेएस को रन करूँ तो दिस इज मॉड्यूल आ गया। नो रॉकेट साइंस सो फार, ठीक है, अभी तक हमने बिल्कुल भी कुछ रॉकेट साइंस यूज़ नहीं करी है। अब अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा, मान लो मैंने एक ऐसा फंक्शन लिख दिया जिसका नाम है एवरेज, और ये एक ऐसा फंक्शन है ए बी और सी, ठीक है, और या फिर एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर arr लिख देता हूँ, ठीक है, और मैं लिखूँगा arr.forEach, और forEach करने के बाद इस एलिमेंट को, एलिमेंट एक मिनट मैं लिख देता हूँ सम प्लस इज इक्वल टू एलिमेंट, और सम को ज़ीरो कर दूँगा यहाँ पर, सम को ज़ीरो कर दिया मैंने, और लेट भी लगा देता हूँ यहाँ पर। और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं जैसे ही ये करूँगा सेव करूँगा इसको, और उप्स मुझे मॉड्यूल में डालना चाहिए था फंक्शन, कोई बात नहीं, इसको मैं यहाँ पर डाल दूँगा। अब मान लो मैं चाहता हूँ उसको इंपोर्ट करना mod.js को, तो एक जो बहुत ही नाइव सी चीज़ दिमाग में आएगी वो आएगी कि आप कुछ इस तरह से कर लो, const मान लो आप करना चाहते हो mod इज इक्वल टू, या कोई भी मॉड्यूल इज इक्वल टू रिक्वायर, और फिर हो सकता है आप लोग यहाँ पर लिखना चाहते हो कुछ mod.js, ठीक है, मान लो आपने कुछ ऐसे लिखा, और रिक्वायर mod.js लिखने की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायर mod से भी काम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ console.log mod और इसको रन करता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पर देखो ये क्या आया, ये कह रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर जो आ रही है, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि मुझे यहाँ पर डॉट स्लैश भी लगाना पड़ेगा वरना मुझे एरर मिलेगा। और अब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं, रन हो गया ये, लेकिन जब मैंने कंसोल डॉट लॉग मॉड किया तो मुझे फंक्शन क्यों नहीं मिला, मेरा फंक्शन तो है मॉड के अंदर। तो इस फंक्शन की प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि नोड जेएस में मैं एक्सप्लिसिटली मेंशन कर सकता हूँ कि वो कौन कौन से फंक्शंस, क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मैं दूसरे मॉड्यूल्स को देना चाहता हूँ। तो ये जो एवरेज फंक्शन है ये एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पर रिटर्न वैल्यू नहीं लिखी है, मुझे यहाँ पर रिटर्न सम डिवाइडेड बाय
एरे डॉट लेंथ करना है। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक्सप्लिसिटली मेंशन करूँगा कि मैं इस एवरेज फंक्शन को देना चाहता हूँ, यानी कि मैं इस एवरेज फंक्शन को देता हूँ, ठाकुर तुझे दिया एवरेज। तो ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा आपको, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू एवरेज, ठीक है। और जैसे ही आप ये लिखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को अब एवरेज मिलेगा। तो देखो, अगर मैं अब इसको रन करूँगा, इंडेक्स डॉट जी एस को देखो, फंक्शन एवरेज यहाँ पर मिल रहा है मुझे, और मैं यहाँ पर मॉड डॉट एवरेज करूँ, अगर इसको रन करूँ कुछ इस तरह से, 3 4 5, 3 4 के लिए करता हूँ रन इसको, और मुझे एरे देना है इसको इनपुट में, तो इसको ज़रा ऐसे देता हूँ। तो मुझे यहाँ पर जो है 4 3 7, और 7 का आधा करो 3.5। तो यहाँ पर कोई दिक्कत आ गई, क्या आ गई यार, कह रहा है मॉड डॉट एवरेज इज़ नॉट अ फंक्शन, ये क्या कह रहा है। तो मैंने यहाँ पर जब मॉड लिखा था तब मुझे एक फंक्शन मिला था एवरेज, तो यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे मॉड डॉट एवरेज नहीं लिखना है, मुझे लिखना है सिर्फ एवरेज, और मुझे यहाँ पर इसको एवरेज करके इम्पोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं एक्सपोर्ट करता हूँ अपने एवरेज को, तो ये मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट जो है अब एवरेज बन चुका है, और जब मैंने इम्पोर्ट किया इसको तो कॉन्स्ट एवरेज इज इक्वल टू जो भी मैं लिखूंगा वो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो अभी क्या है, एवरेज इज इक्वल टू मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था कि ये फंक्शन इसमें आ जाए, तो यहाँ पर अब ये जो है रन हो जाएगा। तो देखो, अगर मैं अभी इसको रन करूँगा तो इसने 3.5 मुझे दे दिया है। अगर मैं मल्टीपल चीज़ें एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ मान लो फॉर सम रीज़न, तब मैं क्या करूँगा, मैं एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, मैं कहूँगा जी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट एक ऑब्जेक्ट है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एक फंक्शन है एवरेज, ठीक है, मैं एवीजी रख देता हूं उसका नाम, जिसमें एक फंक्शन है एवरेज, एक नेम है हैरी, और उसके बाद रेपो है गिटहब। रैंडम ले लिया, कुछ ज्यादा इसका मतलब नहीं है, लेकिन आप समझ जाओ बस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर इसको ज़रा कमेंट आउट करता हूँ, और अब मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, मैं ज़रा वो जो पहले लिखा था ना ये एवरेज वाली बात, इसको ज़रा ऊपर भेज देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसको नीचे ले आता हूँ, अब मैं ऐसे कर सकता हूँ मॉड इज इक्वल टू ये, और कंसोल डॉट लॉग भी मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ। अब मुझे इसको एक्सेस करना है तो मुझे यहाँ पर मिलेगा मॉड के तौर पर ये ऑब्जेक्ट पूरा, ठीक है, तो मुझे इसका डॉट ई वी जी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मॉड डॉट ई वी जी। तो इस बार अब जो है मुझे 3.5 आउटपुट फिर से मिलेगा। अब आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए होंगे, तो इसलिए कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक बार और एक्सप्लेनेशन तो बनता है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या किया, दो फाइलें बनाई, एक इंडेक्स डॉट जे एस बनाई और एक मॉड डॉट जे एस बनाई। जो इंडेक्स डॉट जे एस फाइल बनाई उसमें मैंने क्या किया कि जो मॉड इज इक्वल टू रिक्वायर मॉड, मैंने ये लाइन लिखी, मैंने कहा कि मॉड के अंदर ले लो वो सारी चीज़ें, यानी कि वो एक वेरिएबल जो कि मॉड मॉड्यूल एक्सपोर्ट करता है। देखते हैं मॉड मॉड्यूल क्या एक्सपोर्ट करता है, मॉड मॉड्यूल ये ऑब्जेक्ट स्टोर एक्सपोर्ट करता है पूरा, तो ये ऑब्जेक्ट उठाकर क्या करेगा, ये कॉपी करके मॉड में ले लेगा। तो इस बात का मतलब सिर्फ इतना है, इसको ऐसे कर सकता हूँ मैं, ठीक है, तो ये करेगा। अब आप लगा लो इस आप मॉड डॉट ए वी जी करके मैं यूज़ कर सकता हूँ, मॉड डॉट नेम मैं यूज़ कर सकता हूँ, जो भी चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। बस मैंने क्या करना है, मैंने डॉट एक्सपोर्ट जो लगाया है यहाँ पर, एक्सपोर्ट्स एक एस बी है याद रखना, यहाँ पर मॉड मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू जो भी मैंने लिखा है वो चीज़ मैंने ले ली यहाँ पर अपने इंडेक्स डॉट जे एस के मॉड में। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और ये तरीका है जिसकी मदद से हम लोग अपने कस्टम मॉड्यूल्स बना सकते हैं नोड जे एस की सहायता से। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एक बात और यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि जो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स होता है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो आप कुछ ऐसे भी कर सकते हो, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट नेम इज इक्वल टू हैरी, और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो मॉड ये करके, अगर आप लोग कुछ ऐसे करोगे, सॉरी मुझे कंसोल डॉट लॉग करना था, तो यहाँ पर हैरी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो हैरी प्रिंट हो गया। क्यों हुआ प्रिंट हैरी, क्योंकि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट में मैंने नेम को कहा कि इसकी की ले लो और वैल्यू में हैरी ले लो, और इसने जो है वो करके मुझे एक्सपोर्ट करके ही दे दिया। तो ये चीज़ जो है पूरा पैकेज भेज दिया जाएगा मुझे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, इसमें मैंने नेम ऐड कर दिया है अभी एक, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
अपने किसी दूसरी फाइल में, जैसे कि इस केस में हमने इंडेक्स डॉट जेएस में किया, वहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। और जब भी आप एक बड़ा कुछ अच्छी चीज़ लिख लेते हैं, जैसे कि मान लो आपने लिख लिया एक, मान लो आप काम करते हो कुछ जूलॉजी में और आपने किसी एक प्लांट किंगडम के लिए कुछ मॉड्यूल लिखना है, या फिर हो सकता है आप अर्थक्वेक वगैरह का एनालिसिस कर रहे हो और आपने उसके कुछ फंक्शंस लिखे कुछ इंप्लीमेंट करके, हो सकता है आप डीप लर्निंग कर रहे हो, वहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट में ही फेस रिकग्निशन वगैरह करवाना चाहते हो, तो वो सारे काम जो है आप ब्राउज़र में अगर चाहते हो कि हो जाए, तो आप इस तरह के मॉड्यूल्स लिख सकते हो। और इस तरह के मॉड्यूल्स लिख कर आप लोग जो है जावास्क्रिप्ट के जावास्क्रिप्ट में उसको यूज़ कर सकते हो। अगर बैकएंड में यूज़ करना है तो आपको मॉड्यूल इस तरह के लिखकर नोड जेएस में रन करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने वो मॉड्यूल नोड जेएस में लिखा है और आप उसको ब्राउज़र में भी इस्तेमाल करना चाहते हो, तब भी आपका कोड जो है विद लिटिल और नो चेंजेस के साथ चल जाएगा। तो यही फ़ायदा है जावास्क्रिप्ट को एज अ बैकएंड लैंग्वेज यूज़ करने का। हमने यहाँ पर एक तीर से दो निशाने इसलिए लगाए कि भाई एक ही भाषा है हमारी, एक ही मातृभाषा है और उसका नाम है जावास्क्रिप्ट, उसी में हम कर रहे हैं बैकएंड, उसी में हम कर रहे हैं फ्रंट एंड। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों ने बाय एनी चांस इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस प्लेलिस्ट को अभी के अभी एक्सेस कर लें। इसको यहाँ क्लिक करके करना बुकमार्क, जैसे कि मैंने किया हुआ है, और यहाँ क्लिक करके करना इसको सेव, ताकि ये प्लेलिस्ट आपकी अपनी हो जाए और आप यहाँ पर शुरू से जो है वीडियोस को देख पाए। और HTML एकदम ऐसे इंसान को मैंने सिखाया है जिसको कभी कुछ नहीं आता था, एक ऐसा इंसान जिसने कभी शायद अपनी ज़िंदगी में पहला लाइन भी नहीं लिखा है कोड का, वो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। मैंने ऐसा इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। तो ये जो शुरू के 5 वीडियोज़ रहेंगे, उनमें एक जो इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट प्रोग्रामर है उसको लग सकता है कि यार हाँ मुझे ये सब चीज़ें आती हैं पहले से, लेकिन फिर जब आगे बढ़ोगे ना, यहाँ पर जब बातें आएंगी फ्लोट और क्लियर जैसे कॉन्सेप्ट्स की, जब बातें आएंगी विजिबिलिटी जी इंडेक्स वाली कॉन्सेप्ट्स की, जब बातें आएंगी MRAM VH और VW यूनिट्स की, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एक वेब डेवलपर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। अब जैसे अगर बात करी जाए, जावास्क्रिप्ट को ही ले लो आप यहाँ पर, ठीक है, अगर आप लोग को सही से कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है किस तरह से काम करता है सेट इंटरवल, कैसे उसको कैंसिल किया जाता है, फिर उसके बाद बैकएंड भी हमने यहीं पर देखा है, नोड जेएस हमने सीखा, नोड जेएस में किस तरह हम लोग बैकएंड कस्टम बना सकते हैं वो देखा, किस तरह HTML फाइल सर्व की जा सकती हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है एक आपको सफल वेब डेवलपर बना सकती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लेना, सेव कर लेना, ताकि आगे भी अगर आप मान लो आपको कभी रेफरेंस लेना पड़े तो ये कोर्स आपके पास रहेगा। जैसे मान लो कभी आप भूल जाए, मैं आपको अपना, मैं बहुत ऑनेस्टली आप लोगों को बताता हूँ, मैं खुद अपने वीडियोज़ देखता हूँ कभी कभी, क्योंकि इंसान हूँ मैं, एक इंसान को चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो मुझे कभी कभी अगर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी कभी मैं भूल जाता हूँ लाइफ में, आज से 3 4 5 6 साल बाद, तो मैं यहीं पर आऊँगा वापस। तो मैं चाहूँगा कि आप भी यहीं पर आएँ वापस, हम सब यहीं पर आएंगे वापस, क्योंकि एक रेफरेंस है, ये एक तरह से किताब बन चुकी है। अब जो लोग ऑथर्स किताब लिखते हैं मोटी मोटी, उनको क्या वो सारी चीज़ें याद रहती हैं? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है, वो रेफरेंस लेकर डॉक्यूमेंटेशंस में जाकर प्रैक्टिस करके उसके बाद वो किताबें लिखते हैं, और उसके बाद फ्यूचर में वो कभी भूलते हैं तो वो अपनी किताब को रेफर करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट वहाँ पर बन जाता है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और आप लोगों ने इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो काइंडली मेरी खुशी के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और प्लेलिस्ट को तो एक्सेस आपने कर ही लिया होगा, जो कोड है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे ही दिया है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।